बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुर्गी बना रही हूँ। पुराने ज़माने में जैसे बनाया करते थे मेरे मम्मी, इस तरह मुर्गी बनाया करते थे, तो आज मैंने सोचा मैं उस तरीके से मुर्गी बनाती हूँ। उनको जैसे तो नहीं बनेगी, हर एक हाथ का अपना मज़ा होता है, और बच्चों को माँ के हाथ का जो है वो बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो हम सोचते होते थे जितना हमारी अम्मी का मज़ेदार खाना है किसी का नहीं हो सकता, कोशिश करूँगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो मुर्गी ली है, जो हमने 2 की खुश कर ली है। 2 प्याज लिए हैं, लंबे रुख में काटे हैं। इसके अलावा 2 टमाटर हैं, लहसुन अदरक की पेस्ट है, 3 हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा कोई 5-6 लौंग हैं, 10-11 हरी काली मिर्चें हैं, 4 अदद जो है वो ग्रीन जो है छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची हैं, और ये दालचीनी है। इसके अलावा ये कुटी लाल मिर्च है, और दूसरी लाल मिर्च है, सुर्ख लाल मिर्च, हल्दी है, और जीरा और धनिया का पाउडर है। सबसे पहले मैं कुकर में ऑयल डालूंगी और उसमें ये प्याज डाल दूंगी। प्याज को मैं ब्राउन करूंगी। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी, और 1 सीटी 2 सीटी पे इसको मैं खोल दूंगी ताकि प्याज हमारा गल जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कुकर बंद किया था, और 1-2 सीटी के बाद मैंने खोल दिया है कि प्याज हमारा गल गया है। इस स्टेज पे अब मैं ये मुर्गी डाल दूंगी। इसके अलावा साथ ही मैं ये लहसुन अदरक की पेस्ट भी डाल दूंगी। अगर पेस्ट ना डालनी हो तो जब प्याज को काट के वो जो इसमें पानी डाल के गलाने के लिए रखते हैं, तो लहसुन भी अंदर डाल सकते हैं, साबुत लहसुन है, तो वो भी साथ गला सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। इसके साथ ही ये मैं खड़ा मसाला भी डाल दूंगी, और ये वाले मसाले भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून दही डाल दूंगी। दही को अच्छी तरह पकाएंगे कि इसकी जो
खटास वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए, लेकिन मेरा दही खट्टा नहीं है, मीठा है। मीठे का मतलब कि खट्टा भी नहीं है, और जैसे आम दही होता है वो है। अब मैं इसमें आधा कप पानी डाल दूंगी ताकि मुर्गी हमारी खा जाए। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूंगी। सालन हमारा बिल्कुल तैयार है, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको कसूरी मेथी डाल के ढक दूंगी। सालन हमारा तैयार है। इसमें एक टिप है, अगर सालन के ऊपर ये घी ना आए, कई दफ़ा ऐसे होता है कि भूनते रहो लेकिन घी नहीं आता, तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें तो वो फौरन घी आ जाता है ऊपर ना। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, हमारा तैयार हो गया है। बेहतरीन सालन है, जायका भी बहुत अच्छा है, मैंने चख के देखा है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इस तरीके से बना के देखें। मुर्गी का सालन तो अक्सर ही बहुत ये बनता है, हर कोई अपने तरीके से बनता है, वही मसाले होते हैं, वही चीज़ें होती हैं, लेकिन एक दूसरे का ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और फिर ये आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकअल्लाह।